हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 29 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। तो देखो, जो पहली न्यूज़ आई है यहाँ पे, वो आई है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को लेके। कंटेक्स्ट क्या है वो भी हम देखेंगे, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम सारी डिटेल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कंटेक्स्ट बेसिकली यह था कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनकी अभी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सिक्योरिटी है वो हटाने की बात की गई है, और अभी उनको उसकी जगह जेड प्लस सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जब उन्हीं के सहयोगी गार्ड के द्वारा, तो इसके बाद में काफ़ी सारी डिस्कशन डिबेट चली कि भाई प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा है वो मतलब किसी एक ऐसे डिपार्टमेंट, एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसके अंडर हो, और वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। इसीलिए बाद में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो बनाया गया था। इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लगभग 1985 में शायद एक्ट आया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट। इसके तहत एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो तैयार किया गया था। इसका बेसिकली काम ये होता है कि प्रधानमंत्री और उसके जो भी रिलेटिव उनके साथ वगैरह रहते हैं, उनको कंप्लीट सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे जहाँ वो रह रहे हैं उनका क्वार्टर है वहाँ, उनको कहीं जाना है इंगेजमेंट हो या कोई और प्रोग्राम, कहीं भी उनको जाना हो वहाँ भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का काम होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोक्सीमेट सेंचुरी जो सॉरी प्रोक्सीमेट जो सिक्योरिटी है प्रधानमंत्री को, वो प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। किसकी? प्रधानमंत्री और उसके रिलेटिव। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब देखो, वैसे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके बाद में कई तरह की सिक्योरिटी आती है। जैसे एक आती है जेड प्लस सिक्योरिटी, एक आती है जेड, एक आती है वाई, और एक आती है एक्स। देखो, जो भारत में कोई भी वीआईपी वगैरह आता है ना, उसको बेसिकली जो बाकी हमारे देश में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो कि आपको पता है सीएपीएफ के अंडर आती हैं, जैसे कि आसाम राइफल हो गई, इसके साथ ही बीएसएफ भी होती है आपको पता है, इसके साथ ही और भी अगर हम बात करें आईटीबीपी हो गई, तो काफ़ी सारी आपको पता है जो एसएसबी हैं, ये बेसिकली सीएपीएफ में मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत फोर्स आती हैं। इनके द्वारा जो भी हमारे देश में कोई वीआईपी आता है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, इसमें लगभग 24 से 26 लोगों का, या आप बोल सकते हो कि जो सोल जवान है उनका ग्रुप होता है, और उनके पास ऑटोमेटिक मतलब काफ़ी जो अत्याधुनिक वेपन्स हैं वो उनको दिए जाते हैं। इसके बाद में जेड प्लस से थोड़ी नीचे सिक्योरिटी की बात करें तो आती है जेड सिक्योरिटी, इसमें लगभग 16 से 20 जवानों का जस्ता है ग्रुप है वो होता है। इसके बाद में इसके नीचे आती है वाई सिक्योरिटी, और बाद में आती है एक्स सिक्योरिटी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मतलब भाई इसको रेगुलेट करने की कोई तो जिम्मेदारी होगी। देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश में जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, पैरामिलिट्री फोर्स ये कौन कौन सी हैं, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई कौन कौन सी ऐसी फोर्स हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो कहलाती हैं। और आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, और बाकी जो हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स है वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे भारत में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी मतलब हाईएस्ट थ्रेट है, कोई ख़तरा लग रहा है बहुत ही बड़ा, या कोई बाहर से कोई और अधिकारी आया हुआ है, या फिर भारत में भी किसी पर्सन को काफ़ी जैसे कि प्रधानमंत्री कोई हाई थ्रेट हो, उस कंडीशन में ब्लैक कैट कमांडो हैं जो कि एनएसजी के अंदर आते हैं, उनको प्रोटेक्शन, उनके द्वारा प्रोटेक्शन है वो दी जाती है। तो ये थोड़ा हमने सिक्योरिटी की जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो की है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स को लेके। क्या है यह इंडेक्स? देखो, सबसे पहली बात यह है, जो इंडेक्स है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड विजन इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईएफएमआर लीड। तो ये आपको तो ध्यान रखना है, एनजीओ के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। अब इसका मोटो क्या है? देखो, इस इंडेक्स का सीधा सीधा मोटो यही है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं ना, उनकी कॉम्प्रिहेंसिवली जो वेल हालत है कैसी है, यानी कि हम बात करें कि उनकी हेल्थ कैसी है, कैसा उस पर फोकस किया जा रहा है, न्यूट्रिशंस कैसे हैं उनके लिए, एजुकेशन कैसी प्रोवाइड करवाई जा रही है, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, इसी के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कितना गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे जो हमारे देश में बच्चे हैं इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनके जो मापदंड है वो तैयार किए जाते हैं, और उनको फिर ट्रैक किया जाता है कि भाई गवर्नमेंट कितना फुलफिल कर रही है, हमारे देश में बच्चे कितने सुरक्षित हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं वगैरह दी जा रही हैं।
अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसका फिर मतलब ऐसे फ़ायदा क्या है। देखो आपको बताया, बच्चे हैं वो हमारे देश के फ्यूचर होते हैं। इवन इंडिया की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में ले सकते हो, बच्चे होते हैं वो ही देश का भविष्य होते हैं। तो अगर उनको अच्छी सिक्योरिटी, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मतलब हम हमारे फ्यूचर के ऊपर ही एक तरीके से अंगुली है वो, आप बोल सकते हो कि फ्यूचर को ही हम कहीं ना कहीं मतलब दबा रहे हैं। तो ये जो चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स था, इसमें केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी हैं, इन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया है, जबकि मध्य प्रदेश है वो काफ़ी बॉटम पे यहाँ पे रहा है। तो ये छोटा सा एक यहाँ पे आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। इसी के साथ एक रिपोर्ट थी, पहले वो देख लेते हैं चाइल्ड को लेके, ये रही ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट। देखो ग्लोबल चाइल्डहुड जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली किसके द्वारा जारी की जाती है ये आप बताइए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका दूसरा नाम वैसे ये भी आ सकता है कि एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट है, इसी में एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है द एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है इस बार वो रही है 113वां स्थान इंडिया को मिला है। टोटल 176 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया था। किस लिए है इंडेक्स जारी किया जाता है? ये जो ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट इंडेक्स है ये जारी किया जाता है बेसिकली बच्चों को सेव मतलब उनको सुरक्षित माहौल प्रोवाइड करवाने के लिए, इसी के साथ ही उनके जो चाइल्ड राइट हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन पे काम करने के आधार पे ये इंडेक्स या रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ना इसी में इंडेक्स जारी किया जाता है। जैसे आपको पता है रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती है तो उसमें इंडेक्स जारी किया जाता है बाद में, तो उसी तरीके से इंडेक्स आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है मार्स सोलर कंजक्शन को लेके। तो क्या है ये कंजक्शन, ये हम देख लेते हैं। देखो जब सन है ना, इसके एक साइड तो मार्स यानी मंगल ग्रह और एक साइड जब अर्थ आ जाती है, उस कंडीशन को बेसिकली कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। तो मार्स सोलर कंजक्शन का मतलब क्या हुआ, जब सन है उसके दोनों साइड, एक साइड तो अर्थ हो गया और एक साइड है वो मार्स हो गया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब मार्स और अर्थ के बीच में सन आ जाता है तो वो कंडीशन में सोलर कंजक्शन है वो होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो आपको बताया कि सन की जो आउटर कोर है कोरोना, वहाँ से काफ़ी सारी आयोनाइज्ड गैसें निकलती हैं और काफ़ी सारे वहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हो कि काफ़ी गर्म तूफान भी उठते हैं। अब आप ये भी जानते हो कि स्पेस में जो भी एक तरीके से ट्रांसमिशन होती है मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो बेसिकली वायरलेस मेथड से ही होता है, यानी कि रेडियो वेव जो होती हैं इन्हीं के द्वारा बेसिकली जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। अगर यहाँ पे सन की जो आउटर कोर है कोरोना, इससे जो भी आयोनाइज्ड गैसें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रेडियो सिग्नल्स को इफेक्ट है वो करने वाली हैं। और आपको बताया कि मार्स के ऊपर काफ़ी सारे मिशन भेजे गए हैं, इवन जैसे कि हम बात करें नासा का एक मिशन था क्यूरोसिटी रोवर था उसमें, और एक इनसाइट जो लैंडर था वो किससे रिलेटेड है, वो मार्स से रिलेटेड है। अब वो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है मार्स पे वो अर्थ पे सिग्नल नहीं भेज पाएंगे, क्यों, क्योंकि जब सन बीच में आ गया तो यहाँ पे जो सन से आयोनाइज्ड गैसें बाहर निकल रही हैं ये बेसिकली रेडियो सिग्नल को प्रभावित करती हैं, इसीलिए कुछ टाइम के लिए लगभग ये 1-1.5 वीक के लिए मतलब भी 27 अगस्त से लेके लगभग 7-8 सितंबर तक जो सिग्नल है वो प्रभावित रहेंगे। तो उसी को लेके न्यूज़ है वो आई है। तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि सन की आउटर कोर कोरोना है, वहाँ पे आयोनाइज्ड गैसें होती हैं जिसकी वजह से जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं मार्स से अर्थ पे या अर्थ से मार्स पे वो मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और इसकी वजह से भी जो न्यूज़ है वो आई है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है जन औषधि सुगम को लेके। देखो जन औषधि सुगम है ना वो एक एप्लीकेशन है जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री कौन सी है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो मिनिस्ट्री है ना उसका एक प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पहले एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि बेसिकली आता तो कोई केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर ही है, बट केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर अफोर्डेबल प्राइस। ये जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा बेसिकली इस स्कीम को लाया गया था। और अगर हम बात करें जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना थी, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम ध्यान रखना वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल है वो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाली है। मिनिस्ट्री कौन सी है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर
ध्यान रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री मत कर देना यहाँ पे जल्दबाजी में, आपको एग्जाम में यूपीएससी कन्फ्यूज है वो कर सकती है। इवन यूपीएससी ने किसी भी एग्जाम में एक कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना थी ना, इसका मोटो ये था कि गवर्नमेंट ने जगह जगह पे जनौषधि स्टोर खोले थे। वहाँ पे क्या है, लोगों को सस्ती रेट में जो अफोर्डेबल मेडिसिन हो जाती हैं। देखो आपको पता है कि वैसे अगर हम ब्रांड की मेडिसिन लेते हैं कोई भी तो वो महंगी होती है, वहीं पे जेनरिक मेडिसिन आपको सीधी सी बात बताऊं सिंपल वे में, तो वो मेडिसिन होती हैं जिनमें केमिकल जो सॉल्ट होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बस वो एक तरीके से मतलब इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता है। देखो होता क्या है कि जो भी ये कंपनियां होती है ना, जैसे कि मान लो कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एक कंपनी है, इसने कोई मेडिसिन बनाई है, तो ऑब्वियसली ये मेडिसिन बनाने के बाद भाई अपना प्रॉफिट तो कमाना चाहेगी ना, कि इसने काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह की है। तो यह क्या एक तरीके से पेटेंट करवा लेती है और एक ब्रांड के नाम से दवाई मार्केट में ले आती है। तो ये दवाई ऑब्वियसली वैसे तो महंगी होती है, और वहीं पे जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, जो सेम सॉल्ट इसी दवाई में यूज़ किए गए हैं वही यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा 19-20 का मे बी माइनर डिफरेंस हो सकता है, बाकी वही काम वो मेडिसिन करती हैं। तो एक तरीके से जेनरिक मेडिसिन है वो नुकसानदायक कम होती हैं, और हेल्थ के लिए आप ये बोल सकते हो कि अफोर्डेबल, सॉरी इंसान के लिए अफोर्डेबल हैं वो भी होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो जेनरिक मेडिसिन हैं इन्हीं को प्रमोट हो ज़्यादा करती हैं, और जो ये जनौषधि सेंटर बनाए गए हैं इस स्कीम के तहत वो भी बेसिकली जो यहाँ पे ये हैं आप बोल सकते हो कि अफोर्डेबल रेट पे मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात ऐसी है कि जो दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जा रही थी इसी का एडवांस वर्जन ये लाया गया है, एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसका नाम है जन औषधि सुगम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या करेगा, जो भी मेडिसिन्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी सारी डिटेल, जैसे आपको बताऊँ यहाँ पे ये ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जन औषधि सुगम, इसमें आपको नियरेस्ट स्टोर बताएगा कि भाई इतनी दूर पे आपके पास स्टोर है, इस स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी, वहीं पे आप दवाइयाँ खरीद सकते हो, तो उसका आपको इनवॉइस भी वहीं पे मिल जाएगा ऑनलाइन मोबाइल ऐप में ही। इसी के साथ ही आपको कोई मेडिसिन सर्च करनी है कि इसका क्या यूज़ है वो भी आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, क्या रेट पर अवेलेबल है, और इस तरह के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और कोई नई मेडिसिन आएगी तो उसके बारे में नोटिफिकेशन रहेगा, जैसे कि कोई मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, जब वो स्टॉक में आएगी तो नोटिफिकेशन वगैरह इस तरीके से मिलते रहेंगे। तो ये था जन औषधि सुगम एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज आई है, वो ये है आई नेत्रा। देखो आई नेत्रा बेसिकली हैदराबाद की जो इंजीनियर इंस्टीट्यूट है उनके छात्रों के द्वारा डेवलप किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जो क्या काम करेगा, इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में एक एप्लीकेशन भी है मोबाइल ऐप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें होगा ये कि कोई भी पर्सन जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है उसके आंखों की फ़ोटो लेके और ये जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि भाई इसकी आंख में क्या प्रॉब्लम है। मतलब एक तरीके से एक आई स्क्रीनिंग अफोर्डेबल डिवाइस तैयार किया गया है जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ताकि इससे डॉक्टर को काफ़ी सारी चीज़ें जानने की सहूलियत रहेगी, डॉक्टर को ज़्यादा मगजमारी नहीं करने की ज़रूरत होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसमें मेथड है वो है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वही है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। देखो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये बेसिकली 5 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, और ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसमें इनवाइट है वो किया गया है। ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये रशियन फेडरेशन, जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 2015 में। इसका मोटो ये था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन कंट्रीज़ के बीच में जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी वर्ल्ड के इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन की जाए, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं किस तरीके से उनका यूज करना है इस पर फोकस किया जाए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेनली जो भी ये ग्रुप होते हैं ना इनका सारों का घूम फिर के एक ही मोटा होता है, वही कि भाई इकोनॉमी पे फोकस करना, टेक्नोलॉजी पे ग्लोबल चैलेंज कौन से हैं उनसे निपटना है, पीस एंड टेररिज्म को, पीस को प्रमोट करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, ऐसे ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं। कुछ कुछ ग्रुप अलग होते हैं जिनका पर्टिकुलर फिक्स टारगेट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस ग्रुप का एक ही ये काम है। बाकी नॉर्मली जो भी ये ग्रुप है ना, जैसे कि G7 था, G7 में क्या था, वही जो बर्निंग इश्यू हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो भी लेटेस्ट बर्निंग इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है, और वही यहाँ पे है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट जो भी इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन की जाएगी, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, कौन कौन से ग्लोबल चैलेंज हैं उनसे निपटने की बातचीत है वो की जाएगी। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये रशिया के द्वारा होस्ट है वो किया जाता है हर साल। अब इसमें जो आसियान है, साउथ ईस्ट एशिया है उस पर फोकस किया जाता है, इसी के साथ ही एशिया पैसिफिक वाले कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट है वो करती हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है, आपको कभी न्यूज़ में देखा होगा कि द फार ईस्ट।
देखो द फार ईस्ट का मतलब ये है कि एकदम जस्ट ईस्ट वाला हिस्सा, यानी कि रसिया आपको पता है काफ़ी बड़ी कंट्री है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि ये इतना बड़ा एक रसिया, हाँ ये है रसिया, तो रसिया का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना एकदम प्रॉपर ईस्टर्न, यानी कि जिसके बॉर्डर किसका टच करता है, चाइना का बॉर्डर टच कर रहा है, जापान का, मंगोलिया का, यूएसए का, ये वाला एरिया की बात की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हिस्सा है इसके इस साइड अलास्का आ जाता है, और इधर हम बात करें जापान आ जाता है, इधर चाइना है, यहाँ पे मंगोलिया है, इस तरीके से ये जो प्रॉपर ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना, साइबेरियन वाला आप बोल सकते हो रसिया का, इसको बोला जाता है द फार ईस्ट। इस एरिया में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे आप कोयले की बात करो, चाहे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की बात करो, चाहे यहाँ पे आप जो नेचुरल रिसोर्सेज और भी तरह के हैं जैसे कि गोल्ड हुआ, प्लेटिनम, सारे रिसोर्सेज काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा खजाना है इस एरिया में यहाँ पे छिपा हुआ है। तो ये कई बार आपको वर्ड सुनने में मिल सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। लास्ट में एक छोटी सी न्यूज आई है, वो आई है इंडोनेशिया को लेकर। देखो आपको पता है कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो फिलहाल यहाँ पे थी, अभी इसको धीरे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसी को लेके न्यूज़ आई है। शिफ्ट कहाँ पे किया जा रहा है, ये है आपके सामने यहाँ पे ब्रूनी आइलैंड। ब्रूनी आइलैंड है, इस पे बेसिकली अकेले इंडोनेशिया के राज नहीं है, यहाँ पे ब्रूनेई कंट्री है, उसका भी कुछ अधिकार है वो यहाँ पे है, जैसे ये तो ब्रूनेई के अंडर आता है कंट्री, और ये जो बाकी हिस्सा है ये आता है इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया का जो इधर वाला ये हिस्सा दिख रहा है ना, जिसका नाम मैं आपको दिख रहा है ईस्ट कालिस्तान सॉरी, इस वाले हिस्से में इंडोनेशिया के कैपिटल को शिफ्ट करने की बात है वो भी की जा रही है। तो ये आपको बस फैक्ट ध्यान रखना है कि भाई पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में थी, अब इसको यहाँ से शिफ्ट करके ईस्ट कातन में शिफ्ट किया जा रहा है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और मतलब एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो उसी को लेकर न्यूज़ वो आई है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।